बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें लिफ्ट दी। You're welcome. वैसे मेरा नाम है विक्रम। Hello, I'm Priya. Hi. I'm Ritu. Hi. I'm Dipali. Hi. I'm Sanjana. Hi. Breaks. Fail. Bye. Bye. Excuse me. Bye. Bloody fool. Excuse me. विक्रम? हाँ भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। भाभी वो लड़की मिल गई। कौन? अरे हाँ वो जिसे तुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बता बता दो कौन है वो, मैं अभी उसके पास शगुन लेके जाती हूँ। ना भाभी ना, ऐसा सोचना भी नहीं। पर क्यों? लेकिन ये तो। हाँ भाभी, अरुण का प्यार है, प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। विक्रम, अच्छा ही हुआ भाभी, अब जिंदगी में और कोई मकसद ना रहा, सिर्फ एक मकसद के सिवा, अरुण को इंसाफ दिलाना। में आप अरुण का दोस्त? अरुण पागलखाने से बाहर आ गया। क्या वो ठीक हो गया है? बड़ा ख्याल है उसका। क्या जानते हैं आप मेरे और अरुण के बारे में? हाँ यही कि आपने उसे पागल कर दिया। झूठ, बेवफाई उसने की थी। और आपके मामाओं ने? जानना चाहोगी कि आपके मामाओं ने अरुण के साथ क्या किया? क्या हक है आपको मेरे मामाओं पर इल्जाम लगाने का? इल्जाम लगाने का ही नहीं, गिरफ्तार करने का हक भी है मुझे। क्या जुर्म किया मेरे मामाओं ने? हा? उनका जुर्म क्या, जानना चाहेगी आप? चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, आइए। ये सारी फाइल झूठ बोलती है, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं नहीं जानती ये सब क्या है। ये कंप्लेंट्स है मामा ठाकुर के खिलाफ, स्मगलिंग की, काले धंधे की, चोरी की, खून की। ये वो केसेस है जो शुरू तो हुए मगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपके मामा ठाकुर ने या तो उन लोगों को अगवा करवा दिया या मार दिया, या तो फिर वो लोग मामा ठाकुर के डर से शहर छोड़ के भाग गए। बहुत ऊंची और पक्की आपके महल की दीवारें सपना जी, जहां सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। और जानना चाहेंगे आपके अरुण पर, आपके चाहते अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? नहीं, आपको सुनना होगा, सुनना होगा आपको। राम सिंह, बताओ इन्हें अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? बहुत मारा था हमारे साहब ने अरुण को डंडों से, फिर उनकी मां को पकड़ लिया गया, बाल खींचे उनके आपके मामाओं ने,
बहुत जलील किया उनकी मां को। नहीं। तब जाकर अरुण ने माना कि कोर्ट में जाकर खून का इल्जाम वो कबूल कर लेगा। अरे वो किया उन्होंने अरुण के साथ कि इंसान तो इंसान, जानवर भी टूट जाता, पागल हो जाता। नहीं, चुप हो जाइए। अब आप ही बताइए, कौन है दोषी, कौन है बेवफा, वो या आप? नहीं 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 नहीं। एहसास नहीं तुझको, मैं प्यार करूं ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो अरुण, मुझे माफ कर दो। मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो आपको देखकर आप से बाहर हो सकता है। वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहां ले आइए। कोशिश करूंगा। आपने भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया होगा? आपको उसकी कसम, आप और उनको ले आइए प्लीज प्लीज। ए भाई देख। इसकी आवाज, मुझे लगा कि ये सपना है। नहीं मेरे दोस्त, तुम सपना को बहुत चाहते हो ना, इसलिए तुम्हें हर किसी की आवाज सपना जैसी लगती है। सपना? ये सपना कौन थी? मेरी अपनी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।
भाई साहब, इंस्पेक्टर विक्रम आया है। भाई, इसको अंदर किसने आने दिया? दरवान, दरवान, दरवान। लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। अरे कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूं कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहां पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया? वही वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था, या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हां, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। उसने वो खून होते हुए देखा है। क्यों मामा ठाकुर, गले में रस्सी अभी से महसूस होने लगी? हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले जहन्नुम तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी की बेइज्जती करता है, समझे? याद रखना। अरुण सक्सेना नटवर के खून का गवाह है। उसने देखा यह खून होते हुए। कैसे देखा उसने यह खून? और उसी ने क्यों देखा यह खून? हे भगवान, कैसा है तेरा इंसाफ? और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अरुण है? हमें क्या मालूम था कि आपकी उससे पुरानी दुश्मनी है। पर पागल की क्या गवाही मामा, क्या कर लेगा वो? रावण ने हनुमान को बंदर समझ के छोड़ दिया था और उसने लंका में आग लगा दी थी। वो किस दिन तुम तीनों को पहचान लेगा और हमारी जिंदगी में आग लगा देगा।